आइए आज आपको हम बताते हैं सिंदूर के बारे में। आपने सुना ही होगा जो सिंदूर हनुमान जी को अति प्रिय है, और हनुमान जी को इसलिए प्रिय है कि माता सीता जी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहता है। वो सिंदूर हम प्रायः किराने की दुकान से खरीद कर लाते हैं, हनुमान जी और गणेश जी को चढ़ाते हैं। क्या आपने सोचा होगा यह सिंदूर का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है? उस सिंदूर के पेड़ के बारे में आपको बताते हैं। हाँ बताएं, बिल्कुल। ये है सिंदूर का पेड़, ये इसमें एक छोटा सा ये फल जैसा लगा हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे बीजे निकलते हैं, इन्हें हम अपनी उंगलियों पर इस टाइप से मसलते हैं तो ये सिंदूर अंदर से होकर। हाँ बिल्कुल, सिंदूर निकल रहा है। और इस प्राकृतिक चीज जो सिंदूर है जिसे हनुमान जी पर और गणेश जी पर चढ़ाया जाता है, है तो जो मार्केट से लेते हैं वो नकली रहता है जी, नेचुरल है और ओरिजिनल सिंदूर नहीं। यह भी ओरिजिनल है और मार्केट का भी ओरिजिनल, हम ये नहीं कह सकते कि वो नकली। हाँ लेकिन ज्यादातर नकली ही आता है, परिवर्तन कर वो सूखी अवस्था में हमको उपलब्ध कराते हैं। हाँ तो ये सिंदूर नेचुरल है, और इसका बता रहे थे भैया जी वो खाने के लिए उपयोग करते हैं इसका, नाटा वाला करा था। चलो ठीक है दोस्तों, क्या आपने कभी सिंदूर का पेड़ देखा है? तो हम आपको आज लेकर आए सिंदूर के पेड़ कैसा होता है, सिंदूर किसमें लगता है, और जी लड्डू का जो कलर आता है वही बनता है, कॉस्मेटिक लिपस्टिक वगैरह ये सब में उपयोग हुआ था। वो पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं और बने रहे दोस्तों। ये देखो ये पेड़ ये लगे हुए हैं, अच्छे से इसके फल देख लें। ये तो ये सिंदूर के पेड़ है, सिंदूर इसमें से अभी निकाल के हम दिखाएंगे आपको। देखो इसमें सिंदूर का पेड़ है, तुम कलर दिख रहा होगा। तो ये पेड़ लगा हुआ है सिंदूर का, आज पहली बार हमने देखा है। ऐसे फल लगते हैं इसमें फल, ये फल, ये सिंदूर का पेड़ है। ये देखो नेचुरल आपको दिख रहा होगा कलर, ये भी हमारे नुगली थे ऑरेंज कलर ये खाने पीने के में उपयोग किया जाता है, वो कलर इसी का बनता है। लड्डू में बर्फी में जो कलर देखते हैं ना, जलेबी में तो वो कलर का बनता है, तो वो वही पेड़ है। आज इसको आप देख लें, अभी बड़ा पेड़ है, आज पहली बार देखने को मिला। ये हो गया देख लो पूरा, ये सिंदूर दिख रहा होगा आपको कलर। पहली बार हम आए हैं तो हमने पहली बार देखा सिंदूर का पेड़ यदि आप, और ये लगा हुआ है सिंदूर का पेड़ है, और एक बार और दिखा दे अच्छे से, ये फल है इसके फल, ये लगा हुआ है ये सिंदूर का पेड़ है, और ये आप लड्डू में जलेबी में जो कलर देखते हैं उसमें भी उसका उपयोग होता है, और लिपस्टिक जो बनती है उसमें जो कलर आता है तो वो भी इसी कलर आता है। ये लड्डू का पेड़ है, वो लड्डू का पेड़ थोड़ी सिंदूर, उनके बीज को ऐसे पीस दिया जाता है तो कलर बन जाता है। देखो ये देख लो, ये ऐसे होते हैं सिंदूर के फल, यहाँ से सिंदूर प्राप्त होता है अपन को। ये देख लो अच्छी बारीकी से देख लो, ये आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसी चीज, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो ये लगा है, ये बीज है, ये फल इसमें सिंदूर निकलता है। देखो आप देख लो, देख सकते हैं, और ये ऐसे पत्ते होते हैं इसके, काफी ज्यादा लगा है और बहुत ठंडा रहे, अच्छा नेचुरल सिंदूर है। दोस्तों अभी देखा आपने ये पेड़ लगा हुआ है सिंदूर का पेड़, हमने भी तोड़ा तो उसमें फल लगे हैं। तो जो मार्केट से सिंदूर लेके आते हैं उसमें मिलावट भी आती है, लेकिन जो सिंदूर का ये पेड़ लगाए नेचुरल पेड़ है, इसमें नेचुरल सिंदूर है, और यदि इसको भगवान पर चढ़ाया जाए तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। तो आप यदि आपने देखा हो सिंदूर का पेड़ तो कमेंट करके बताएं। और ये नेमावर में है,
नेमावर खाते गांव के पास में नेमावर है देवास जिले में, तो उसमें यह पेड़ लगा हुआ है। यहाँ नेचुरल हर्बल खेती की जाती है और बड़ी हर्बल टी और जो मिलती है यहाँ पर। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो, देखो अभी लाल दिख रहा होगा आपको।